गाइस वेलकम टू माय चैनल एमएम लव। आज का हमारा वीडियो है कि आपका धूप से सिरदर्द क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और ये कैसे ठीक हो सकता है। और गर्मियों में जिनके धूप से माइग्रेशन की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सरदर्द होता है, वो धूप में जा नहीं सकते हैं, तो उनके ये क्यों होता है और इन सब की डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी, कारण बताऊंगी क्यों होता है, उसके उपाय भी बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको उसके कारण और उसका इलाज भी मिल सके, घरेलू उपाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कि जो आपका धूप से सरदर्द होता है वो आपका होता है, बहुत से कारण है इसके, कि आपका जो शरीर में पानी की कमी हो जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हमें गर्मियों में हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, हमें बहुत ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए। तो आपके एक कारण होता है कि आपका ये पानी की कमी से भी हो सकता है। क्या होता है, पानी की कमी जब बॉडी में हो जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है और कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा सर दुखने लग जाता है और चक्कर आने लग जाते हैं। सेकंड कारण आपका तनाव भी हो सकता है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका आपके शरीर सर में गर्मी हो जाती है और उसकी वजह से आपका सर दुखने लग जाता है गर्मी के टाइम पे। और नेक्स्ट तरीका है आपका, सॉरी नेक्स्ट कारण है आपका कि मौसम में अचानक से बदलाव होता है और उसके कारण भी हमारा सर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि सर्दी से एकदम से गर्मी आती है तो उसकी वजह से भी हमारे सर में गर्मी हो जाती है और उसकी वजह से हमारा सर दर्द करने लग जाता है। मौसम में बदलाव की वजह से भी हो सकता है। और आप नेक्स्ट कारण है कि आप एकदम से तेज धूप में चले जाते हैं, तेज धूप में आप जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपका सर दर्द करने लग जाता है। नेक्स्ट कारण है अत्यधिक थकान या अधिक थकान की वजह से आपका सर दर्द करता है। गर्मी में खासकर ज्यादा थकान महसूस होती है, क्योंकि हमारी बॉडी लो फील करने लग जाती है जब पानी की कमी हो जाती है। हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से क्या होता है कि पसीना निकलता रहता है बॉडी का, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी महसूस होने लग जाती है, पानी की कमी होने लग जाती है। तो हमेशा रिफ्रेश रहना चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए आपको। आप या फिर आप क्या हो सकता है, आपका कारण है कि आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा देर तक काम करते हैं, इसकी वजह से आपका सर दर्द कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है आपके सर में। गर्मी चढ़ जाती है, गर्मी बहुत से लोगों को क्या होता है, लू लग जाती है, गर्मी चढ़ जाती है, तो आपका सर में गर्मी चढ़ जाती है, उसकी वजह से भी ये आपका सर दर्द करता है। तो इतने सारे कारण है आपके गर्मी में, तो आपको इनका उपाय करना है आपको। आप तो मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जो अगर आप अपनाएंगे तो आपका सर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, नहीं तो आप गर्मियों में इन सब कारणों से आपका सरदर्द ठीक हो जाएगा। तो कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से उपाय हैं इनके कि आप सरदर्द को ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट आपका ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट रखना है, आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देना, हाइड्रेट रखना है हमेशा आपकी बॉडी को, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना है। सबसे पहले आप सुबह उठ के जो पानी पीते हैं 2-3 ग्लास पीजिए नॉर्मल पानी, वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो वो पीजिए। नाश्ते में हमेशा फलदार, जो रसेदार फलदार जिनमें पानी की भरपूर मात्रा होती है, वो फलों से आप स्टार्ट कीजिए, वो फल ज्यादा खाइए। मतलब लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी है आपको गर्मी के टाइम पे, जैसे कि आप सुबह नाश्ते में आप जूस वगैरह पीजिए, या फिर जिनमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है वो फल खाइए, तरबूज खा सकते हैं आप, खरबूजा खाइए क्योंकि इनमें बहुत पानी की मात्रा होती है, आप खीरा खा सकते हैं, खीरे में बहुत ज्यादा पानी होता है तो वो आपकी बॉडी को पानी की कमी होती है वो पूर्ति हो जाएगी और आपकी बॉडी में एनर्जी भी बनी रहेगी, थकान भी नहीं होगी आपको, जिसकी वजह से आपका सर दर्द भी नहीं करेगा। हर्बल टी पी सकते हैं आप, गर्मी में क्या होता है हर्बल टी हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो आप चाय की पत्तियां डाल के या तो तुलसी की चाय बना सकते हैं या फिर हर्बल टी बनाते हैं उसमें तुलसी की पत्तियां डाल लीजिए तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। तो हर्बल टी बना के पीजिए आप, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। गर्मी में क्या होता है, आप ठंडे पानी से अपने सर को धोइए, आप बहुत रिलैक्स महसूस होगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो जैसे ही सर दर्द करने लगता है या बाहर से आते हैं थोड़ी देर रुक के, आपको ठंडे पानी से अपना सर धोना चाहिए, जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ठंडे पानी से क्या होता है, हमारे दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है, तो ठंडे पानी से धोना बहुत अच्छा होता है आपका सर अगर दर्द कर रहा है तो। नेक्स्ट उपाय है कि अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो आपको जो लौकी का गूदा होता है वो आपके सर पे लगाना चाहिए, आपको थोड़ी देर मसाज करनी चाहिए उससे यहाँ पे सर पे लगा के, क्योंकि उससे क्या होता है लौकी के गुद्दे से आपको बहुत ठंडक मिलती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सुधरता है, तो ऑटोमेटिकली आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, ठंडक प्रदान करेगा तो आपके सिर को। तो लौकी का गुद्दा भी लगा सकते हैं।
जो की रोटी खा सकते हैं आप, दलिया खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आप ठंडी चीजें जैसे आप छाछ लस्सी ले सकते हैं, ये भी आपके ठंडक प्रदान करेगा गर्मी में, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे कि आपका सर दर्द करता है। तो हरी सब्जियां खाइए, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा कीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका सेवन कीजिए। फलों का रस ले सकते हैं आप, वो ज्यादा लीजिए, फलों का रस भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। नारियल पानी पीजिए, नारियल पानी बहुत ज्यादा अच्छा होता है गर्मी में, तो वो पानी की पूर्ति भी करता है और वैसे भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हाइड्रेट रखता है आपकी बॉडी को। तो नारियल पानी आप पी सकते हैं, तो वो भी अच्छा है आपके लिए। गर्मी में सबसे बेस्ट होता है कि आप नींबू लीजिए और उसमें नमक और चीनी मिक्स करके आप ग्लास में वो पी जाइए, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इससे हर प्रॉब्लम, आपके पेट के दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से, आपका सर दुख रहा है, वो सब उससे दूर हो जाती है। आपका ब्लड प्रेशर होता है वो भी सही से काम करता है, आपको थकान भी नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट उपाय आपका कि नींबू, नमक और चीनी मिला के आप वो पी लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है ये आपके लिए। ग्लूकोज पी सकते हैं आप, हमेशा ग्लूकोज रखिए अपने घर पे, तो वो उसको मिक्स करके आप पीते रहिए, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है आपकी बॉडी को। तो बेस्ट है कि आप बाहर रहते हैं तो ग्लूकोज के लिए आप घर में आप ग्लूकोज रख लीजिए, और बाहर जाते हैं तो ग्लूकोज के लिए आप गन्ने का रस पी सकते हैं, क्योंकि गन्ने का रस में बहुत ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा रहती है, तो आप गन्ने का जूस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आम का पन्ना पीजिए, आम का पन्ना बहुत ज्यादा आपकी लू लगने नहीं देता है। अगर लू लग गई है तो आम का पन्ना से क्या होगा, आपका ठंडक प्रदान करेगा, लू उतर जाती है उससे, और आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। आम का पन्ना भी स्टार्ट कीजिए पीना अगर आपका धूप से सर दर्द होता है। धूप में ना काम करें आप, दोपहर में बिल्कुल भी कहीं बाहर न निकले आप, सुबह शाम काम करें, और अगर आपको कैसे भी निकलना होता है फिर भी, तो आपको उसका ख्याल रखे जाना है कि आपको आपको टोपी लेके जानी है, आपको दुपट्टा का इस्तेमाल करना है, छतरी लेके जानी है, इन सब का आपको यूज करना है अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो हमारी बॉडी वो सहन नहीं कर पाती है इतना। अगर आपका सर दर्द कर रहा है गर्मी में बहुत ज्यादा, तो आप ठंडक के लिए क्या कर सकते हैं, चंदन का लेप लगा सकते हैं अपने माथे पे, चंदन का लेप लगा लीजिए। चंदन बहुत ज्यादा ठंडक प्रदान करता है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ठंडक प्रदान करेगा। तो ये थे बहुत सारे इसके उपाय कि आपको उपाय क्या कर सकते हैं, मैंने इतने सारे तरीके बता दिए आपको कि अगर उनमें से आप एक भी करेंगे तो वो आपके लिए आपका सर दर्द उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने इतने सारे बताए कि आप सारे ट्राई करके देख लीजिए कि क्या क्या करना है आपको। ये होम रेमेडी है आपके लिए, बॉडी के लिए कोई हानिकारक नहीं है। आप टेबलेट नहीं ले रहे कि आप एक एक के साथ दो नहीं ले सकते टेबलेट, ज्यादा नहीं ले सकते, आप सारे उपाय कर अपना सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें हैं वो खाने पीने की हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं। तो आप इन चीजों का यूज कीजिए, और कारण क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो उनको बच के रहिए और आप ये उपाय कीजिए, आपका सर दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होगा गर्मी के कारण। और छाछ वगैरह ये सब ज्यादा लीजिए, क्योंकि वो आपको गर्मी से बचाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि सभी को पता चलेगी कि धूप से सर दर्द क्यों होता है और उनको बचने के लिए क्या करना चाहिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो साथ, बाय फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिएगा।